पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित इन्नी दिनी सरहदी इलाकियां दे दौरे ते ने, बीते दिन पहला गुरदासपुर गए ते उस तो बाद अमृतसर गए ते दोवां थावां दे उत्ते उन्होंने पंजाब दे विच नशियां दे मुद्दे दे उत्ते बेहद खुल के गल कीती है। बड़ी बेबाकी दे नाल राजपाल ने कहा कि मैं किसी दे उत्ते दोष नहीं लगा रहा, मैं किसी नूं इस मसले दे विच दोषी भी नहीं मान रहा, पर इह स्थिति जिहड़ी है वह चिंताजनक है पंजाब दे विच कि नौजवान ही नहीं स्कूली बच्चे भी ड्रग्स लै रहे ने। जनरल स्टोरां दे उत्ते एक टुथपेस्ट वांगू, दंदां दा जिहड़ा टुथपेस्ट हुंदा उस दे वांगू नशा विक रिहा, जो कि बेहद चिंताजनक है पंजाब दे विच कि इस हद तक नशा किवें विक रिहा, इस नूं रोकिया जाना चाहिए, ये चेन जिहड़ी है वह तोड़ी जानी चाहिए है। इसे दे नाल उन्हां ने DGP गौरव यादव जिहड़े कि उन्हां दे नाल ही बैठे हुए सन, उन्हां नूं नाल दी नाल ही हुक्म कीते कि बेशक सेंटर दी मदद लो, चाहे पंजाब पुलिस होवे जां फिर सेंटर सरकार दी, भी जिथे तुहानूं लोड़ पवे उन्हां दी मदद लो, पर पंजाब दे विच इह ड्रग्स दी सप्लाई चेन जिहड़ी है वह टुटनी चाहीदी है तां जो पंजाब नूं नशियां दे रोग तो बचाया जा सके। इस तों इलावा उन्होंने यह भी कहा कि सरहदां सील कर दित्तियां जाण, जेकर सरहदां सील करन दी भी लोड़ पैंदी है तां सरहद सील कर दित्ती जावे, पर पंजाब नूं नशियां तों बचाया जावे। ड्रग का ये ऑर्डिनरी मामूली इशू नहीं है और खुद हमारी चिंता का विषय है कि टोटल ड्रग एडिक्टेड नेक्स्ट जनरेशन को हम ऐसे बनाएंगे क्या। सबकी जिम्मेदारी है, कोई भी कीमत पर हम सहन नहीं कर सकते ये चीज। सर ये जो ड्रग है ना, ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है, जो ड्रग ज्यादा आ रही है वो दिल्ली भी जा रही है, हर जगह जा रही है ना। मैं बोल रहा हूँ मेरे को लुधियाना में खाली अमृतसर का सवाल नहीं है, लुधियाना जलंधर वगैरह में हर जगह से, इवन गांव वाले बोल रहे हैं ना कि आपको मैंने यूज़ किया वर्ड्स कि जनरल स्टोर में जिस तरह से ड्रग्स मिलती है, ये टूथपेस्ट मिलता है, उस तरह से ड्रग किसी हर गांव में मिलती है, हर एक को मिलती है, इतनी आई है। तो ये वार में हमको जीतना है, ये पाकिस्तान का, तो इससे मैं तो यहाँ तक कहूँगा वन थिंग, पंजाब की गवर्नमेंट को भी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी सिचुएशन आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी मदद करे। चीफ सेक्रेटरी साहब भी हैं, DGP साहब भी हैं, यदि कुछ आपको ज़रूरत पड़े सेंटर से मदद लीजिए, इंटेलिजेंस की मदद मांगिए या और कोई भी फोर्स की मदद चाहिए तो फोर्स की मदद लीजिए, परंतु ये लड़ाई हमको जीतनी है हर कीमत पर। पूरे मिल के यदि काम करेंगे तो हम जीतेंगे। बॉर्डर ऐसी सील हो जाए यहाँ से आए नहीं तभी खत्म हो जाएगा।